हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेन गुरु। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल पर्पस में जो यूज होते हैं क्रेने, जैसे मोबाइल क्रेने हैं, क्रोलर क्रेने हैं, इनमें ज्यादातर किस प्रकार के हुक को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये टोटली मैं आपको बता दूंगा इस डायग्राम के जरिए कि ये टोटली 6 प्रकार के हुक यूज किए जाते हैं। उनमें से सबसे पहले जो डायग्राम में आता है वो होता है ये क्लेवेस हुक का। ये क्लेवेस हुक क्या पुराने क्रेनों में यूज किया जाता था, पहले का मॉडल पे आता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता था कि ये बहुत ज्यादा हैवी वेट को नहीं संभाल पाता था। और इसका ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा 10 डिग्री या 15% से ज्यादा फैल जाता था। इसके जो वजह से क्या होता था, इस पे लगने वाला जो हम लोग वेट को उठाने के लिए जो यूज करते हैं बेल्ट होता है, सीलिंग वगैरह होता है, वो स्लिप करके बाहर निकल जाता था। ये बहुत ज्यादा दिनों तक वो चल नहीं पाता था। इसके लिए इस प्रकार के हुक को मॉडिफिकेशन करके और लेडलियम सिंगल हुक को बनाया। लेडलियम सिंगल हुक में क्या है कि ये हैवी से हैवी लोड को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है और किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये छोटे साइज से लेकर के, यानी हम देखेंगे अगर तो 2 टन 3 टन से लेकर या 1 टन से लेकर के 100 टन 400 500 टन तक का ये कैपेसिटी को भी बर्दाश्त कर लेता है। फ्रेंड्स, वजह क्या होता है, वजह इसका बनावट होता है। यहाँ से लेकर के इस हिस्से के जो ये बनावट होता है ये ज्यादा चौड़ाई को बढ़ा देता है और इसके इंटरनल पार्ट को, यहाँ से भी इसका चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इसके वजह से ये किसी भी हैवी से हैवी वेट को ये बर्दाश्त कर लेता है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये हुक सिंगल हुक होता है जो सामने से, जो हमने किसी अगर वेट को उसमें सेलिंग लगाया या बेल्ट लगाया तो उसको हम अगर सिंगल ही उठा करके अगर डालते हैं तो ये हुक के लिए अच्छा होता है। अगर हम लोग को मान लीजिए कि दो साइड से किसी जॉब को अगर हम दो साइड से अगर उसको उठा करके और लगाते हैं तो ये सिंगल मुंह का हुक होता है, इसके लिए ये सफिशियंट नहीं होता है, ये अनसेफ होता है। एक तरफ से आने वाला जो वेट होता है वो उसने खिंचाव को तो बर्दाश्त कर चुका होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो आता है वो क्या होता है कि वो रोप या जो बेल्ट होता है या सीलिंग, वो बाहर निकलने का ज्यादा टेंशन रहता है, इसलिए इस तरह का काम को करने के लिए काफी अनसेफ होता है। सो इस तरह का काम को करने के लिए हमारे पास में इंजीनियर ने तैयार किया किस प्रकार का, ये लेडली आर्म डबल हुक का यूज करने के लिए, ये लेडली आर्म डबल हुक को बनाया। अब लेडली आर्म डबल हुक से हम यूज करने के लिए क्या, इसमें सुविधा क्या होता है कि एक तरफ से जो हमारे पास में जो रोप हमने यूज किया हुआ है वो यहाँ से इस तरफ के लिए लोड को संभालता है और दूसरी तरफ से यहाँ से इस तरफ के लोड को यह संभाल लेता है। तो एक जॉब के लिए दो बेल्ट जहां पर हम यूज कर रहे हैं या दो सेलिंग यूज कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेटर होता है ये लेडली आर्म डबल हुक। फ्रेंड्स, ज्यादातर आज के डेट में अगर देखेंगे लेडली आर्म डबल हुक हर जगह पे यूज करने के टाइम में दिखने को नहीं मिलता है, यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये ज्यादातर यूज कहाँ पर होता है, जो मोबाइल क्रेन हैवी कैपेसिटी को होता है, यानी 50 टन से या 55 टन से एबव वाले जो क्रेन होते हैं उनमें ये इस प्रकार का हुक लगा होता है, जो ज्यादा हैवी वेट और ज्यादा बड़े वाले जो हमारे पास लोड होता है, जॉब होता है, उसको अलग अलग दो साइड से सेलिंग को लगा करके और विद सेफली उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारे पास में आता है ये फोर्थ नंबर में क्या है, टिल्टिंग हुक है। ये टिल्टिंग हुक ज्यादा कुछ नहीं, इसका ये टिल्टिंग हुक या इसका एक और दूसरा नाम होता है, वो कहते हैं हम लोग सी हुक, सी टाइप हुक। ये सी टाइप हुक इसके बनावट की वजह से इसका नाम पड़ता है। और इस प्रकार का जो हुक आपको देखने को मिलता है वो अकेला ही क्रेन के ऊपर नहीं लगा होता है, क्रेन के साथ ये सिर्फ और सिर्फ ये लेडली आर्म सिंगल हुक होता है, लेडली आर्म सिंगल हुक के थ्रू ये हुक टंगा होता है, एडिशनल होता है। फ्रेंड, जो लेडली आर्म सिंगल हुक होता है उसकी मदद से इस हुक को टांग कर रखा जाता है और इस प्रकार के हुक को हम लोग एडिशनल हुक के रूप में देखते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाएंगे तो रोलिंग मिल वगैरह में आप देखेंगे कि आयरन शीट का जो आयरन प्लेट का कॉइल बना होता है उस तरह के कॉइल को डायरेक्टली, ठीक है, फोर्कलिफ्ट जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार से हमारा ये जो सी टाइप का हुक है, वो सी टाइप हुक हमारा टिल्टिंग हुक उसमें ज्यादा सफिशियंट होता है कि ये क्रेन लेकर के जाता है इस सी टाइप हुक को और उसको ऐसा पकड़ करके ऐसा उठा करके
और जहां पर उसको शिफ्ट करना है गाड़ी पे या कहीं स्टॉक एरिया में शिफ्ट करना है तो वहां पर ले जा करके शिफ्ट करते हैं। तो ये हुक आ जाता है एडिशनल हुक में। इसके बाद का जो नंबर आता है फ्रेंड्स हमारे पास में है ये स्टार हुक। स्टार हुक का दूसरा और किसी तरह का कुछ भी यूज नहीं किया जाता है। ये स्टार हुक भी ये लेडियम सिंगल हुक के मदद से ही काम करता है और ये भी आता है किसमें एडिशनल हुक में, इसका गिनती होता है। फ्रेंड्स इस प्रकार का जो स्टार हुक होता है ये स्टार हुक लेडल के लिए यूज किया जाता है। जो लेडल हॉट मेटल जो भर करके आता है और पोरिंग करने के बाद में लेडल के ऊपरी एरिया में एक बारीक कवर बैठ जाता है, कवर पकड़ता है मेटल का, उस प्रकार के कवर को तोड़ने के लिए एंकरिंग करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं और इसके लिए इसका एक और नाम पड़ता है, इसको एंकर कहते हैं। तो ये स्टार हुक का यूज वहां पर किया जाता है लेडल के अंदर का जो जाम होता है उस जाम को तोड़ने के लिए और बाद में उस लेडल को डंप कर दिया जाता है, इसको वापस खोल करके रख दिया जाता है और क्रेन दूसरे काम में लग जाते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो नंबर आता है इस जे हुक का। इस जे हुक का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आकार ही जे के शेप में दिखता है। ये जे के शेप में दिखने की वजह से इसका नाम पड़ता है जे हुक। फ्रेंड्स ये लेडल को उठाने के लिए काम में आता है। ये जे हुक किस प्रकार का काम करता है कि सपोज एक लेडल है, ये लेडल का शेप है, ये इस प्रकार का एक लेडल होता है और इसके साइड में बना होता है टूनियन पॉइंट। ये यहाँ से इसका टूनियन पॉइंट बना होता है। ये टूनियन पॉइंट में क्या होता है, ये लेडल मेटल से पूरी तरह से भरा होता है, हॉट मेटल होता है और ये हुक क्या करेगा कि एक तरफ से ये हुक पकड़ेगा यहाँ पर ऐसा आकर के इसको ये फंस जाता है और दूसरे तरफ से एक और जे हुक यहाँ पर फंसेगा, यानी ठीक इस प्रकार से फंसेगा और ये जो जे हुक होता है ये इस प्रकार का आकर के यहाँ पर ऐसा ये हैंगर बना होता है और हैंगर से लगा होता है ये यू बैंड होता है। अब यहाँ पर यहाँ से लगा होता है इसका लेडलियम सिंगल हुक, यानी इस प्रकार को काम को करने के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ जे हुक का यूज किया जाता है फ्रेंड्स, दूसरा कुछ और यूज के लिए नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ लेडल को उठाने के लिए, लेकर के चलने के लिए, उसको कैरी करने के लिए और डंपिंग करने के लिए, या फिर लेडल को उठा करके जो एमडी लेडल होता है उसको उठा करके एलटीसी यानी लेडल ट्रांसफर कार जो होता है उसके ऊपर में शिफ्ट कर देने के लिए कि ताकि वो दोबारा कास्टिंग के लिए उस लेडल को भेजा जाएगा और फिर दोबारा उसमें मेटल भर करके और ट्रांसफर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स इस प्रकार के हुक को आप सिर्फ ईओटी क्रेन में आपको देखने को मिलेगा, वही ईओटी क्रेन जो हॉट मेटल एरिया में काम कर रहे हैं और हॉट मेटल के लिए जो काम के लिए लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स इसका अब कैपेसिटी अगर आप लोग पूछेंगे कि किस प्रकार का कैपेसिटी होता है, इसका कैपेसिटी स्टार्ट होता है 25 टन के क्रेन से लेकर के ये 55 से लेकर के 100 200 500 या 550 100 तक का जो ईओटी क्रेने होते हैं, हॉट मेटल की क्रेने होती है, उनमें इस प्रकार का जे हुक लगा होता है और वहां पर इसका यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये था आपके सामने में इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होने वाले हुक के कुछ टाइप, और ये इस पर इसी जितने भी आपको इंडस्ट्रियल पर्पस में जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी हुक अगर आपको दिखाई देता है तो इन्हीं छह में से कोई ना कोई एक वो शामिल रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप ये ना कहें कि अरे वो उसमें क्रेन गुरु में कुछ और दिखाया गया था लेकिन यहाँ हुक कुछ और है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, वो इन्हीं छह में से कोई ना कोई एक वहां पर यूज हो रहा होगा, ये डेफिनेटली है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा मोबाइल क्रेन का फुल, मोबाइल क्रेन का हमारा जो ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन होगा उसका पूरा डायग्राम बनाया जाएगा और एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। सो बहुत ही रोचक वीडियो बनने वाला है नेक्स्ट वीडियो, आप मिस ना करें और अच्छी तरह से ये जो हमारा क्रेन गुरु है, क्रेन गुरु का मेन मकसद है आपको घर बैठे ही एक बहुत ही बेहतरीन क्रेन ऑपरेटर बनाना, और इसके लिए आपको पार्ट वन से लेकर के एंडिंग पार्ट तक आपको देखना जरूरी होगा। सो फ्रेंड्स आप एक सक्सेसफुल ऑपरेटर बनने के लिए हमारे इस वीडियो को देखते रहें और इसमें बताया गया जो पॉइंट्स है एक एक पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखते रहें और आगे चल करके जो हमारा वीडियो आने वाला है उसको आप गौर से देखेंगे, सीखेंगे और उसमें से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी इस तरह का वीडियो बनाने में मजा आए और आगे भी आपको सिखाए। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है फ्रेंड्स, जरूर देखें। थैंक यू।